पाकिस्तान में पानी और बिजली को लेकर क्यों मचा हाहाकार और कहां हुई फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग और कहां कहां आग ने मचाई तबाही। दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए देखिए वर्ल्ड एक्सक्लूसिव टॉप नाइन। कंगाली की खाई में फंसे पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा हुआ है। कराची, लाहौर, पेशावर समेत पाकिस्तान के कई शहरों में बढ़े हुए बिजली के बिलों के खिलाफ लोगों ने प्रदर्शन किया। लोगों ने हाथों में काले झंडे लेकर बिजली के बिलों में आग लगा दी। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक हाई स्कूल फुटबॉल मैच के दौरान फायरिंग हुई। एक पुलिस अधिकारी ने चार लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फायरिंग में कितने लोग शामिल थे इसकी जानकारी अभी तक साफ नहीं हो पाई। सीरिया में सरकार के खिलाफ हजारों लोग सड़क पर उतर आए। गंभीर आर्थिक संकट के बीच कई जगह लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में पोस्टर बैनर लेकर मार्च निकाला और सरकार से आर्थिक सुधार की मांग की। ग्रीस के जंगलों में आग का तांडव जारी है। आग के लपटे देश की राजधानी की ओर बढ़ रही हैं। आग बुझाने के लिए फायर फाइटर की टीम दिन रात लगी हुई है। जंगलों में लगी आग से अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। प्रशासन ने आसपास के लोगों से सुरक्षित जगह पर जाने की अपील की है। ये भीषण आग की तस्वीर रूस की राजधानी मॉस्को की है। यूक्रेन से जारी महायुद्ध के बीच मॉस्को के नाखाबीनों में कंस्ट्रक्शन मार्केट में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह अभी तक साफ नहीं हो पाई है। मार्केट कॉम्प्लेक्स में लगी आग से भारी नुकसान की खबर है।